हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीजी नाचोस। बच्चों को ये चीजी नाचोस बहुत पसंद है और झटपट बन जाते हैं। आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने लिया है 1 कप दूध, ये है 2 चम्मच मैदा, ये मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी भर के मोजरेला चीज, और ये है 2 ऐसे हमें प्रोसेस चीज मिलते हैं, ये 2 क्यूब्स हमने ग्रेट कर रखे हैं, ऑरिगेनो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन और 1 फाइनली चॉप्ड टोमेटो। देखिए हमने एक पैन में ली है, लगभग 2 चम्मच बटर लिया है, और ये जैसे ही हल्का सा मेल्ट होगा हम इसमें अपना जो हमने ये 2 चम्मच मैदा ले रखा है ये डालेंगे। आपको बटर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बटर एकदम बर्न हो जाता है, तो ये सब काम थोड़ा स्लो फ्लेम पे करें। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप किसी चमचे की जगह ऐसा एक बिस्का यूज करें जिससे इसमें गांठे नहीं पड़ेंगे। अब हमारा मैदा मेल्ट हो गया है, तो हमारा बटर मेल्ट हो गया है सॉरी, तो हम उसमें ये मैदा डाल देंगे। देखिए इसमें बिल्कुल गांठे नहीं पड़ी है क्योंकि हमने ये बिस्कर लिया था, और हम अपने ये बटर और मैदा के मिक्सचर को 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाएंगे। हमें मैदे से अच्छी सी एक स्मेल आने लगेगी और मैदे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। ये देखिए हमारे मैदे और बटर के मिक्सचर ने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। अब इसमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ये जो हमने 1 कप दूध लिया है ये 1 कप दूध डालेंगे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। अगर हम स्टर नहीं करेंगे तो इसमें गांठे बन जाएंगी, फिर हमारा सॉस उतना स्मूथ नहीं बनेगा। देखिए हम कंटिन्यूसली स्टर कर रहे थे तो एक भी गांठ नहीं बनी है हमारे इस मिक्सचर में, तो इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमें ये मिक्सचर बॉईल पे लाना है। अगर आपकी गांठें पड़ जाएं तो आप गैस को थोड़ा सिम करके उन गांठों को किसी भी स्पैटुला से ब्रेक कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसा विस्कर लेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अपना मिक्सचर दूध में ऐड करेंगे तो कोई भी गांठ नहीं पड़ेगी जैसे मेरे मिक्सचर में नहीं पड़ी है। ये देखिए 1-2 मिनट के अंदर ही हमने ये जो मैदा और दूध वाला हमारा मिक्सचर है ये ऐसे गाढ़ा हो जाएगा, इसमें बॉईल आ जाएगा। फिर हम धीरे धीरे अपना ये जो चीज है वो इसमें ऐड करेंगे। कोई भी चीज आप पहले ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मोजरेला पहले डालना है और प्रोसेस चीज बाद में डालना है, कोई भी चीज पहले कोई भी चीज बाद में। ये देखिए हमने अपना आधा जो चीज है वो इसमें ऐड कर दिया है, और जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम अपना बचा हुआ चीज इसमें ऐड करेंगे। एक साथ सारा चीज नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो मिक्सचर आपके लिए एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और फिर हमें दूध वगैरह मिलाना पड़ेगा इसमें, और तो धीरे धीरे चीज ऐड करें, जो पहले ऐड करा हुआ चीज है वो इसमें मेल्ट हो जाए तब आप नेक्स्ट अपना चीज ऐड करें। हमने अपना जो मोजरेला चीज लिया था 1 कटोरी वो हमने पूरा अपने इस मिक्सचर में डाल दिया। अब ये जो हमारा प्रोसेस चीज जो हमने 2 क्यूब्स ग्रेट करे थे ये भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसको भी स्टर करके इसी मिक्सचर में मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए ये प्रोसेस चीज तो एकदम मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम मोजरेला को मेल्ट होने में लगता है, प्रोसेस चीज तो देखिए। और ये सब काम हम स्लो गैस पे करेंगे, फुल फ्लेम मीडियम फ्लेम किसी पे नहीं, लो फ्लेम पे करेंगे हम ये सारे काम। ये देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर बन रहा है हमारा, ये देखिए यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि ये मिक्सचर ठंडा होके अभी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अब हम करेंगे इसकी सीजनिंग। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आप लोग चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं, पर चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल जो हम लोगों के घर में चिली पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। इसमें सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें चीज डाला है इतना सारा, तो चीज में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है तो सॉल्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे हम और ऐसे ही सिमर कुक करेंगे चलाते हुए 1 मिनट के लिए, और ये हमारा चीज सॉस रेडी है। हमारा चीज सॉस बनके तैयार है। अब हम अपने नाचोस की प्लेटिंग करेंगे। ये हमने बाजार से 1 पैकेट नाचोस लिया है, उसे हमने ऐसे प्लेट में डाला है। अब हम इसके ऊपर ऐसे जेनरसली अपना ये जो हमने चीज सॉस बनाया है ये स्प्रेड करेंगे अच्छे से। चीज सॉस डालने में हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अगर हम चीज सॉस डालने में कंजूसी करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा।
ये देखिए ऐसे हमने अच्छे से चीज सॉस डाल दिया है, और ये जो हमारे डाइस्ड अनियंस थे ये हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, और ये जो डाइस्ड टोमेटोज लिए थे हमने ये भी हम अपने नाचोस के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और अगर आपके बच्चों को चीज सॉस ज्यादा पसंद है जैसे मेरे बेटे को है तो ऊपर से थोड़ा सा और चीज सॉस डालेंगे। तो ये देखिए आपकी नाचोस का प्लेटर बिल्कुल तैयार है, नाचोस विद चीज सॉस। अगर आपको ऐसे अनियन और टोमेटो के साथ नहीं खाना है तो आप एक छोटे से बाउल में इसको अलग से रख सकते हैं और अपने नाचोस को डिप करते हुए इसमें इजीली खा सकते हैं। तो अगर आपको ये सिंपल और इजी रेसिपीज नाचोस विद चीज डिप पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।